हनी ट्रैप के मामले में गिरफ्तार एक आरोपी महिला पुलिस को चकमा देकर फतेहाबाद महिला थाने से फरार हो गई। लापरवाही के चलते थाने से आरोपी महिला के फरार होने पर दो महिला पुलिसकर्मी सहित तीन पुलिसकर्मियों के खिलाफ ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में केस दर्ज किया गया है। डीएसपी ने बताया कि फरार आरोपी महिला की तलाश में सीआईए स्टाफ की टीम सहित विभिन्न टीमें जुटी हुई हैं। जानकारी के अनुसार आरोपी महिला लोगों को ब्लैकमेल करके पैसे एंटी थी। आरोपी महिला के साथ तीन अन्य लोग भी इस मामले में शामिल थे। बीते दिन 10,000 रुपए की ब्लैकमेलिंग राशि के साथ महिला को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था, लेकिन आरोपी महिला बाथरूम के बहाने पुलिस को चकमा देकर थाने से फरार हो गई, जिसकी तलाश जारी है। महिला के खिलाफ रतिया इलाके में SHO वुमेन पुलिस स्टेशन को शिकायत मिली थी कि वो दबाव बना के ब्लैकमेलिंग के जरिए लोगों से पैसे ऐंठ रही है। उस शिकायत पे प्रथम दृष्टया हमने FIR दर्ज की। उसके बाद रेडिंग पार्टी बना के मैडम बिमला ने, जो SHO वुमेन्स हैं, उन्होंने रेड की तो उसको पैसे के साथ पकड़ा, बंद हवाला थाना करवाया, लेकिन रात को बाथरूम जाने के बहाने वो चकमा दे के पुलिस को निकल गई, जिसपे उसके खिलाफ अभियोग अंकित किया गया है। साथ में जिन मुलाजिमों ने इसमें लापरवाही और गलती की है उनके खिलाफ भी अभियोग अंकित हो चुका है। ये जांच उच्च अधिकारियों द्वारा, मेरे द्वारा और जो SO हैं महिला थाने के, उनके द्वारा की जा रही है। जिसका भी जितना दोष होगा उसमें उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पैसे कितने उसके बरामद किए? उससे 10,000 रुपये बरामद किए हैं। पहले वो 34,000 रुपये, उससे बात आई है FIR में कि पहले वो ले चुकी थी 10,000 और उससे ले चुकी थी, और 10,000 रुपये फिर जो मांगे गए उस डिमांड पे हमने उसको रंगे हाथों। कितने लोगों को ब्लैकमेल कर चुके हैं अभी तक? हमारे पास 4 लोगों ने शिकायत की है, जिनके भी बयान अंकित किए जा रहे हैं। अभी जांच का विषय है, शायद और लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ। आरोपी महिला के साथ कुछ और लोग भी मिले हुए थे? हाँ, उसमें 2-3 अन्य व्यक्ति हैं जिनका नाम मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा हूँ, तो उनकी भी मिली भगत है। उनके खिलाफ भी बाई नेम अंकित हो चुका है अभियोग, तो पुलिस वाला भी मुकदमा अंकित हो चुका है। डिपार्टमेंटल एक्शन अलग से होगा। पुलिसकर्मी हैं इसमें, महिला थाना की जो है MHC है, एक जो निगरानी ड्यूटी पे EHC गुरपाल सिंह है उसके खिलाफ, और एक जो SPO है जो विशेष तौर से उसकी निगरानी के लिए लगाया गया था, निशा, उसको।